जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे हायर बैरिस्टर एसोसिएशन साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक बार फिर से मुझ पर यकीन जताया और उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि औरंगाबाद ईस्ट से मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में बहुत मजबूत, सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कहीं है तो औरंगाबाद शहर के अंदर है और ये यहाँ की आवाम ने हमेशा से ही हमारा साथ दिया है और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा है। अब इस बार का इलेक्शन भी मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स जो खड़े रहेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और लोग अपनी दुआओं से आएंगे। इम्तियाज़ भाई, बीजेपी से ओबीसी है, कांग्रेस से मराठा उम्मीदवार है, आप मुस्लिम समाज से हैं, ये सारे समाज को जोड़ने का काम आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर कम से कम हमारा जब इलेक्शन होता है तो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के अच्छा कैंडिडेट कौन है, काम कौन करता है, उस हिसाब से फैसला करते हैं। तो इलेक्शन है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, यकीनन सब अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हुए हैं, हम भी खड़े हैं इंशाल्लाह। क्या आपके जिगरी दोस्तों को आप मैसेज देंगे जो आपके उम्मीदवारी जाहिर होने का इंतजार कर रहे थे? देखिए, ये मैंने ये कहा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम में ही एक इत्तेहाद शब्द है और यकीनन जब किसी का कैंडिडेट डिक्लेयर होता है और दावेदार उतने ही मजबूत होते हैं, फैसला किसी एक के हक में, एक फैसला किसी एक के हक में होता है, लेकिन यकीनन जितने भी लोग हैं वो पूरे ताकत के साथ मजलिस के साथ रहेंगे, जुड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। इसके लिए दूसरी पार्टी में जाने वाले लोगों से देखिए, हर आदमी को ये इख्तियार है कि कौन कहाँ जाना चाहता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, मतलब ये पार्टी उसी वक्त आगे बढ़ सकती है, हमारी क़यादत उसी वक्त खड़े हो सकती है जब अपने हम आमिर साहब को, हम हमारे आयत के फैसलों के ऊपर हम सब ने लब्बैक कहना सीखे। उनका जो भी फैसला है, अगर हम अपने क़यादत को ही नहीं मानेंगे तो ये पार्टी कभी बढ़ नहीं सकती है, हमारी क़यादत कभी खड़े नहीं हो सकती है। इसमें साहब ने फैसला किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि पूरी आवाम इसके ऊपर लब्बैक कह के आगे काम करेगी। मुस्लिम मराठा, देखिए सिर्फ मुस्लिम मराठा ही नहीं, और भी दूसरे जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है विधानसभा के अंदर, जिन्होंने लोकसभा के अंदर मेरा काम देखा है, तो यकीनन वो लोग इस बात को सोचते हुए जो गलती लोकसभा के अंदर हुई थी उनसे, तो वो गलती नहीं दोहराएंगे और इस बार दोबारा मुझे विधानसभा के अंदर भेजेंगे। औरंगाबाद की आवाम के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर आदमी को इख्तियार है कि वो अलग अलग पार्टी में रह सकता है, सियासत के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपका चाहने वाला रहेगा, आपको मानने वाला रहेगा, आपको फॉलो करने वाला रहेगा, आपके मुखालिफिन भी रहेंगे, आपसे मुख्तलिफ राय रखने वाले भी रहेंगे, आपकी कोई अलग आइडियोलॉजी, आपकी अलग सोच के हिसाब से आप वो हमारी मुखालफत भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्तर के ऊपर मुखालफत ना करें कि कल जब हमारा आँखों से आँखें मिलेगी, जब आमने सामने आएंगे तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। ये लेवल के ऊपर आप लड़िए, जहाँ पर रहना है रहिए, आप जिस जमात में हैं, जिस पार्टी के अंदर हैं, आप वहाँ पर रहिए, काम करिएगा, लेकिन लड़ाई का भी एक स्तर होना चाहिए, उसको इतने घटिया लेवल के ऊपर नहीं लेकर आइए कि आगे चलकर हमको एक दूसरे से आंखों में आंखें मिलाने के लिए शर्मिंदगी। विकास के कौन कौन से मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, औरंगाबाद के अंदर क्या है आप खुद जानते हैं, जो मुद्दे पिछले 3-4 महीनों के अंदर बदले हैं ऐसा नहीं है, औरंगाबाद के अंदर क्या क्या करना है ये तमाम आवाम को हमने लोकसभा के इलेक्शन के दौरान हमने बताए थे। इस बार भी ये है कि इस शहर के अंदर स्कोप बहुत है काम करने का, उसमें अगर जज्बा है किसी के अंदर, कोई जद्दोजहद करना चाहता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, एक सवाल मेरा ऐसा है, अतुल साहब अभी हाल ही में कह रहे थे कि MIM में आपस में ही लड़ाई चल रही है और जिस तरीके से 2 बार मैं जीता हूँ, इस बार भी कोई भी उम्मीदवार मेरे सामने आए मैं इस बार जीतूंगा, ये उनका दावा है। अतुल साहब को ये कहना कि हम दिखाने के लिए कुछ दिखाते हैं और करना जो करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि हम लड़ रहे हैं, अंदर से हम सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें कांग्रेस की तरफ से आज एक उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं,
और देखा जा रहा है कांग्रेस के अंदर भी कई नाराजगी हो रही है। कई कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि हम एमआईएम की तरफ अपना रुख कर लेंगे अगर हमको हमारे पार्टी में से किसी को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे कुछ चेहरों के नाम आपके सामने आएंगे जो कह रहे हैं हम आपका सपोर्ट कर देंगे क्योंकि हमारे हमारे पार्टी में से किसी को टिकट नहीं मिला है, जो नवे आए उनको टिकट दिया गया है। देखिए ये उनकी पार्टी का इख्तियार है, दूसरी पार्टी किसको टिकट देती है मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, वो उनका इख्तियार है किसको देना। और जो लोग इतने सालों से उनके साथ जुड़े हैं वो एक मरतबा संजीदगी से बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारी क़यादत खड़ी हो, और वो अगर इस तरह की अगर हरकतें करते हैं तो जितने भी लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं आज जब उनके ऊपर नाइंसाफी हो रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें बैठकर सोचना है, हमें सोचने की ज़रूरत। महाराष्ट्र में कितने जगहों का? देखिए साहब अभी तक तो मेरे हिसाब से 6 सीट्स सिर्फ डिक्लेयर हुए हैं, पहले 5 जो डिक्लेयर हुए थे उसमें मेरा भी नाम था और कल हमारे नासिर सिद्दीकी साहब का नाम डिक्लेयर हुआ है। अभी बाकी के जितने भी उम्मीदवार हैं हम समझते हैं कि 29 तारीख के दिन जो आखिरी दिन है उस दिन है तो असद साहब डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।